दोस्तों, ये है ढाका शहर। नेपाल से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर बसा बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट शहर। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। आज की वीडियो में शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान में ये शहर किस मुकाम पर खड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। एक्सप्लोर वायरस के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका शहर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी है। ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट और 10 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की 6ठी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका साउथ एशिया में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर पहली सदी की शुरुआत में ही बस गया था, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों की बंगाल प्रोविंस की आर्थिक राजधानी बना रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट देखने को मिला। अंग्रेजों ने पहली बार शहर में रेल लाइनें, बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई, वेस्टर्न एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाकर इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया। लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये शहर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। आज के समय में बांग्लादेश गवर्नमेंट सीट होने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और एजुकेशन सेंटर्स के साथ ढाका एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा है। पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी की कमाई का 35% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 750 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये शहर अपने बंगाली त्योहारों, इनके लाजवाब खानों और रंग बिरंगी कश्ती और ऑटो रिक्शा की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर है। आइए अब जानते हैं ढाका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इसे दुनिया की दूसरी सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर का यातायात 400,000 ऑटो रिक्शा और बाइक साइकिल रिक्शा पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसको दुनिया की रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका को दुनिया की ट्रैफिक जैम सिटी भी कहा जाता है। 2011 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां हर रोज 7 घंटे जाम लगा रहता है। ढाका के लोग क्रिकेट के पुजारी माने जाते हैं। ढाका शहर में ही नेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ढाका में ही रहते हैं। यहाँ के हर एक गली, मोहल्ले और सोसाइटी में आपको क्रिकेट टीमें देखने को मिल जाएंगी। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है, जिसमें कई मस्जिदें सैकड़ों सालों पुरानी हैं। वैसे तो ढाका में बंगाली और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक ऐसी मार्केट है जिसको हिंदू स्ट्रीट कहा जाता है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स के मार्केट्स, ज्वेलरी और इंडियन क्लासिक चीजें देखने को मिलेंगी। कई थ्योरी दी जाती हैं कि इस शहर का नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वरी देवी मंदिर की वजह से इस शहर को ढाका कहा जाता है, और कुछ का मानना है कि ढाका में लाखों की संख्या में ढाका नाम का पेड़ पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम ढाका पड़ा। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉमेंट करके बताइए इसका नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। अब बात करते हैं ढाका में घूमने की जगहों के बारे में। लालबाग फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसको मुगल सूबेदार आजम शाह द्वारा साल 1678 में बनाना शुरू किया गया। इसके आसपास आप इस शहर का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। ये किला ओल्ड ढाका सिटी की मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। अगला है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढाका शहर कब बसा, इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ढाका और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं, जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय मीठी और कड़वी यादों का आईना बनी हुई हैं। नंबर 3 पर है ढाकेश्वरी टेम्पल। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस शहर का ढाकेश्वरी टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि बंगालियों का सबसे मशहूर त्योहार दुर्गा पूजा को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को देखने भारत और म्यांमार से काफी लोग आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वायरस के साथ।